नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 230 आईटीआई का अफिलेशन इसलिए रद्द हो गया क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि एग्जिस्टिंग आईटीआई में कैसे उनको टेट बढ़वाना था। सिर्फ अवेयरनेस के कारण, जानकारी के अभाव में 2020 में आईटीआई यूपी के आईटीआई लगभग 250 संचालकों ने टेट बढ़वाने के लिए अप्लाई किया। कब? 2020 में। और उनको यह पता नहीं चला कि एग्जिस्टिंग आईटीआई का जब हम पोर्टल खोलेंगे तो टेट बढ़वाएंगे तो हमको टेट कैसे ऐड करना है, क्या हमको न्यू में जाना है या एग्जिस्टिंग में जाना है। उन्होंने एग्जिस्टिंग आईटीआई में जाकर के देख खोला और वहां अगर बात किया जाए तो उन्होंने सही भरा, लेकिन टेक्निकल इश्यूज है कि उनको जानकारी नहीं थी, या ये कहिए कि गुमराह हो गए, या ये कहिए कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने न्यू ऐड कर दिया। और इसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद 2 साल के बाद उनकी उम्मीद जगी कि एप्लीकेशन अब खुलेगा और हमारे यहां निरीक्षण होगा। बैंक गारंटी बना लिए, बिल्डिंगें बन गई, टूल्स और इक्विपमेंट खरीद लिए गए, क्लासरूम, कुर्सी, टेबल, जनरेटर इत्यादि बना दिया गया, पैसा खर्चा कर दिया गया, कुछ पैसे लोन उठाए गए, कुछ बैंक से उठाए गए, कुछ रिश्तेदारों से मांगा गया। अब 2020 का उठाया हुआ कर्ज का पैसे का बोझ तले ये प्राइवेट आईटीआई वाले दबे 2022 तक। इनको गलती का तब एहसास हुआ जब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास गए और वहां पूछा कि हमारी जो है तो एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, हमारे यहां निरीक्षण कब नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है और कब तक में होगा। जब इनको लिस्ट दिखाई गई और बताई गई तब मानो इनके ऊपर पहाड़ टूट गया। अब सवाल यह है कि इन्होंने फिर डीजीटी गए, वहां के अधिकारी राकेश अग्रवाल जी से मिले, उज्जवल विश्वास जी से मिले और उनको उन्होंने लेटर दे करके अवगत करवाया। अब सवाल हमारा उज्जवल विश्वास जी से है कि आप नए नए आए हो, चलिए ठीक है आप अभी आए हो, सुनील गुप्ता जी थे, सुनील गुप्ता जी की उसमें केस था, लेकिन आप अभी आए हो तो आपको जब यह लेटर दिया गया और मिला गया तो आपको इस पर कार्रवाई करनी थी, आपको इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी थी। देखिए कोई बहुत बड़ा यह मुद्दा नहीं था, बैंक गारंटी जमा है, एलवाई मिली है, एनओसी मिली है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सामान मशीन ले आया है। अगर उनको जानकारी का भाव था तो आपको बताना था, या आपको उनको बताना था जब आपने बीच में अभी जून में वेबसाइट खोली थी तब आपको ये वेबसाइट में भी एडिट के लिए सुधार करवाने के लिए खोल देना चाहिए था कि अगर किसी ने ये चीजें गलत किया है तो उसको एडिट करके सही कर ले। चूंकि ये एक आईटीआई का मामला होता तो मैं ना उठाता, 10 आईटीआई का मामला होता तो ये ना उठता, 15 का होता तो ना उठता, 20 का होता तब भी मैं ना उठाता, 25 होता तब भी मैं ना उठाता, लेकिन ये 250 आईटीआई के मामला ऐसा है। और ये 250 आईटीआई के मामलों का दर्द जो है तो ये इनके लिए नींद हराम है, मानो इनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। श्री उज्जवल विश्वास जी मानिए कि इनके ऊपर पहाड़ टूट गया है, एक तो कर्ज से दबे हैं, कोरोना काल में आईटीआई चली भी नहीं, लड़के फीस दिए भी नहीं और कर्ज तले दबे चले जा रहे हैं, जुलाई आ गया है और इनका कोई अता पता नहीं है कि इस बार इनको सेशन मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। अगर इस साल इनका सेशन नहीं मिला, 6 महीने फिर लेट हो गए तो सोचिए कि कर्ज के तले ये कितने दब जाएंगे, ये भी आपको सोचना चाहिए था। जब ये एप्लीकेशन दिए थे ये तब आपको इनको बहुत जल्दी कार्रवाई करनी थी। चलिए खुद ही सुन लेते हैं
एक संचालक की दर्द हम खुद सुन लेते हैं। चलिए सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ, अब हमको विस्तार से समझाओ एक एक चीज को। पहले उसमें जो है मेन जो प्रॉब्लम है सर, ये फॉर्म भरा गया था तो उस समय इसमें चाहिए ये कि एग्जिस्टिंग में जितनी पेड़ हमारे यहाँ चल रही वो हमको पहले दिखाना चाहिए। इसके बाद जिस पेड़ की हम मान्यता ले रहे हैं उसको हम लोगों को न्यू में दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे अब मतलब आईटीआई तो हमारी एग्जिस्टिंग में ही रहेगी तो हम लोगों से गलती ये हुई कि जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही हम बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन हमारे यहाँ पहले से चल रही थी तो हमको ये वो जब हमारे यहाँ पहले से चल रही है तो हमको इसे एग्जिस्टिंग में ही डालना होगा। नई ट्रेड तो हम ले नहीं रहे, पुरानी ट्रेड में ही सीट बढ़ा रहे हैं। केवल हम वही मतलब जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही जितने यूनिट हमको लेना है वो सब कुछ हमने डाला, लेकिन उसमें न्यू में करना चाहिए, हमने उसको केवल न्यू की जगह एग्जिस्टिंग कर दिया। अच्छा अच्छा, इसके बाद जो है क्योंकि बैंक गारंटी वगैरह जमा होती है तो हम स्टेट में गए, बैंक गारंटी जमा किए और उसके साथ में जो है ये फार्म का फर्स्ट स्टेज में क्योंकि ट्रेड फील होती है तीनों स्टेज के प्रिंट आउट भी था वहाँ पे भी मतलब कोई इशू नहीं किया गया और हमारा फर्स्ट स्टेज का येलो आई भी इशू हो गया। अच्छा, जारी हो गया। हाँ हाँ, येलो आई भी जारी हो गया। स्टाफ डिटेल हमारी जब भराई गई स्टाफ डिटेल में भी जैसे उसमें जो ट्रेड आपने अप्लाई किया है एप्लीकेशन के लिए वही ट्रेड केवल आती है। स्टाफ डिटेल जब भरवाई गई तो उसमें हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही शो कर रहा था। अच्छा, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की स्टाफ डिटेल फिल करिए। लेकिन केवल ये एग्जिस्टिंग और न्यू की वजह से जो है उसको रिजेक्ट में डाल दिया गया। मेन रीजन ये है कि आपने कोई ट्रेड नहीं अप्लाई किया एप्लीकेशन के लिए। तो इतने सारे आईटीआईयों का कैसे हो गया? मतलब कोई भी आईटीआई इसको सही नहीं भरा, जानकारी नहीं कि या किसी ने मिस गाइड किया, क्या हुआ इसका कुछ कारण? अब जैसा हम लोग तो खैर मिस गाइड से ही हमारे जनपद में जितनी भी आईटीआई लगी हुई है फाइल सबकी सब यही भरे हुए हैं, सब लोग टोटल। तो एक दूसरे से जानकारी लेते रहे ये कि कंसल्टेंटों ने गलत जानकारी दे दी? नहीं नहीं, कंसल्टेंसी की कोई वही है, सब लोग अपने से ही काम किए, कंसल्टेंसी कोई था ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे लगभग कितनी कितनी आईटीआई थी, कितनी आईटीआई का हुआ था? 36 है। कितनी सर? 236 आईटीआई। 236? जी 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 जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि या तो हमारा जो है इसी बेस पे आगे अप्लीकेशन लिया जाए जो ट्रेड उसमें फिल है, अगर ये लग रहा है कि ये ट्रेड फिल मतलब गलत फिल है तो उसको हमें एडिट का ऑप्शन दे दे, हम उसको सही कर लें। क्योंकि सारी चीजें बिल्डिंग हमारी कंप्लीट है, वर्कशॉप हमारा कंप्लीट, फीस भी हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय जमा होती है वो तो जमा ही है, इसके बाद विजिट फीस जो डीडी वगैरह जमा होती है, बैंक गारंटी, ये सारी चीजें हमारी जमा है। सब कुछ बिल कंप्लीट है, केवल और केवल इसी वजह से जो है मामला रुका हुआ है, बाकी कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारा तैयार ना हो। और आप लोगों ने तैयारी भी कर ली होगी, मशीनें भी खरीद लिया होगा? पूरी तैयारी है। और ये कब से कितने महीने हो गए? अब ये तो एप्लीकेशन तो हमने 2020 में डाला था तो कोविड की वजह से चालू भी नहीं था, इधर फिर सेकंड स्टेज की हमारी एजेंसी नहीं ओपन हुई तो मैं लगभग अप्रैल लास्ट में स्टेट एसेसर से संपर्क किया कि सर अगर इधर प्रोसेस शुरू हो गया है तो हमारा स्टेज सेकंड आप एजेंसी ओपन करिए, उसको हम क्लोज करें। तब उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो है आपने कोई ट्रेड ही फिल नहीं किया, इस वजह से डीजीटी द्वारा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। अच्छा, तो मैं तत्काल फिर वहाँ डीजीटी भी गया, पहले मैं स्टेट डायरेक्टर के यहाँ जाके मिला तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ चेंज करना हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, आप डीजीटी संपर्क करिए। मैं डीजीटी गया, उस समय श्री सुनील गुप्ता सर थे। जी जी जी। उनसे भी मैं मिला तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मैटर तो खैर काफी अच्छा, यही पॉइंट
उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपका एप्लीकेशन सही है गलत कहा है, सही दोहरा है आपका एप्लीकेशन, कौन आपको कह रहा है कि ये गलत है। यही सेम पॉइंट हमारे स्टेट डायरेक्टर का भी कहना था कि आपका एप्लीकेशन सही है, कौन कह रहा है गलत है। जब मैंने वो स्टेट एसेसर को दिखाया तब एक्सेप्ट किए। सुनील गुप्ता सर तो अपने असिस्टेंट को बुलाया जो उनके ऑपरेटर वगैरह होते हैं, तब वो इनको बताए तब ये स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आप फर्जी परेशान है, सही है एप्लीकेशन आपका, जब एग्जिस्टिंग आईटीआई है ट्रेड एग्जिस्टिंग है तो आप वही तो भरेंगे, न्यू में क्यों भरेंगे, ये सुनील गुप्ता सर का कहना था। फिर जब बाद में उनको जानकारी हुई ऑपरेटर द्वारा तो उन्होंने कहा कि आप जो है एप्लीकेशन दे दीजिए और हम अगली मीटिंग पे ये पॉइंट रखेंगे, मैटर काफी ज्यादा है तो आप लोगों को एक मौका दिया जाए एडिट करने का। अब फिर कुछ दिन बाद ही उनका पटल चेंज हो गया। पटल चेंज होने के बाद जो अच्छा मैं निमी जो हेल्प डेस्क एप्लीकेशन वाला मेल है उससे भी मैं मेल बराबर करता रहा, तो वहां से मेल पे हम कि आप डीजीटी से संपर्क करिए, डीजीटी अगर आदेश करती है तो यही मतलब एडिट के लिए खुल जाएगा, उससे आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। अभी जब जो है 21 जून को मैं गया था दिल्ली, जिस दिन ये विश्व योगा दिवस था उस दिन जो है रात 8 बजे तक हम लोग बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, मिलने नहीं दे रहे थे। अच्छा। फिर जो है ये श्री राजेश अग्रवाल सर सेक्रेटरी साहब भी मीटिंग में थे, तो ये जैसे ही गेट से बाहर निकले हैं तो हम लोग तुरंत, वहाँ कुछ राजस्थान के भी लोग थे, उनका एप्लीकेशन का मैटर था लेकिन दूसरा मैटर था। अच्छा अच्छा। तो हम सब लोग जो है सेक्रेटरी साहब के पास पहुँच गए, उनको अपना एप्लीकेशन दिए, तो उन्होंने खैर मैटर पूरा नहीं समझा, उन्होंने तुरंत उज्ज्वल विश्वास सर को बुला के कहा कि आप इनका जो है मैटर समझिए, तुरंत तुरंत सॉल्व करिए, इनको कल के लिए नहीं डालिएगा, सुबह ये लोग बैठते हैं। तो वहाँ हम लोग गए, सारी जानकारी उनको दिया गया, रिक्वेस्ट भी मैंने किया, पहली बात तो उनके तेवर भी काफी वो थे कि आप लोग गलती करते हैं, फालतू हम लोग परेशान करते हैं, पहले हम सही फाइल ना करें, आप लोगों को करें। तो कहा सर सारी चीजें सही है, केवल इतनी ही कमियां है, इस समय पोर्टल भी खुला हुआ है 25 तक, तो इसी में आप एडिट का भी ऑप्शन दे दीजिए तो हम लोगों का भी काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए और हम इसको निमी भेज के सही करवाते हैं। तो वहाँ एक जो है टी रघुलन सर है ज्वाइंट डायरेक्टर साहब इस समय एप्लीकेशन में, उनको जो है मैंने सारे एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम निमी को भेज के जो है एक हफ्ते में आपका ये सारा जो भी दिक्कत है इसमें ये निमी से सही हो जाएगा, हम सही करवा देंगे। एक हफ्ते बाद जो है मैं उनसे कहा कि सर मैं आपसे यहाँ ऑफिस में आके संपर्क करूँ, तो कहा नहीं आप नंबर ले लीजिए हमारा, आप हमसे एक हफ्ते बाद संपर्क करिएगा। एक हफ्ते बाद मैं उनको बराबर मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। अच्छा तभी मैं आपको फिर जो है मैसेज किया कि माने एक चीज मेरे को ये चीज बताइए, आप लोगों ने तैयारी 2020 से किया हुआ है, मतलब माने दो साल 2020 में जब हमने अप्लाई किया बिल्डिंग हमारी उसी समय पूरी कंप्लीट हो गई थी, फिर ये हुआ कोविड आ गया उस समय तो बिल्कुल शांत हो गया, फिर 21 में थोड़ा बहुत गुगाहट हुई तो उस समय हमने जो है टूल्स मशीनरी सब करके लैब वगैरह पूरी वेल मेंटेन कर लिए, फिर 21 में भी कुछ नहीं हुआ, 22 में अब शुरुआत हुई तो इसमें ये स्थिति आ गई, खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। हाँ बढ़ता चला ही जा रहा है। जुलाई खत्म हो जा रही है, सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जुलाई खत्म अगर हो गई तो सेशन भी नहीं मिल पाएगा फिर। तो आप ये चाह रहे हैं कि फार्म को एडिट करने का मौका मिल जाए जिससे आप लोग उसको एडिट करके सही कर लें, और आपकी तो सारी चीजें तो उसको न्यू समझ के ये हमारा एप्लीकेशन मूव कर दें। मिला के फाइनल हमारा हो जाए, मान्यता हमारी हो जाए, वो किस तरह हो अब ये मतलब लीजिए निकाल दें, अगर मान लीजिए उस तरह है तो एप्लीकेशन हमसे ले लें, सारी चीजें जो है सही। हाँ सही बात है, ले लें और आकर के निरीक्षण कर लें, सही चीज जो पाए वो उसको करके। इसमें और सारी चीजें सर सही है, केवल ट्रेड का मैटर है जैसे तो ट्रेड आप जो है हमसे अगर एग्जिस्टिंग और उसमें आपको कंफ्यूजन है तो हमसे आप एक मतलब एप्लीकेशन ले लीजिए कि हम इस ट्रेड के लिए अप्लाई किए, इस ट्रेड के लिए हमारे यहाँ जांच हो, आप हमारे यहाँ जांच करिए, अगर सही है सारी चीजें तो आप हमारा जो है फाइनल करिए, नहीं सही है तो आप बिल्कुल रोक दीजिए। बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। चलिए सर ठीक है, धन्यवाद, मैं देखता हूँ इसको, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना।
ओके घबराइए नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाए सर, अगर जो है नहीं नहीं बिल्कुल 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 सर आप चिंता मत करिए, मैं इसके पीछे लग जाऊंगा। धन्यवाद। चलिए उज्जवल विश्वास जी, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, और ऐसे बहुत सारे 250 के लगभग ये आंकड़ा है, और आप खुद सोचिए कि अगर ये 2 साल से परेशान हो रहे हैं और इनका अगर सेशन छिन जाएगा तो इनका भविष्य क्या होगा। आपको चाहिए सर कि जैसे 16 तारीख से 25 तारीख के बीच में खुला हुआ था, इनको आप टाइम दे दीजिए 2 दिन का, और 2 दिन के अंदर इनका पोर्टल खुलवा करके एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, इनको मेल कर दीजिए, या फिर आप उसी एप्लीकेशन के हिसाब से जिसको इन्होंने भरा हुआ है उसके हिसाब से इनका निरीक्षण करवा लीजिए। निरीक्षण में अगर इनको सही पाया जाता है तो इनका अफिलेशन दिया जाए, इनको अफिलेशन दे दिया जाए, क्योंकि ये बैंक गारंटी भी लगा चुके हैं, LOI भी मिल चुका है, स्टाफ भी रख चुके हैं, स्टाफ का भी खर्चा बढ़ रहा है, और चूंकि एक जगह स्टाफ लगा लो तो दूसरे जगह स्टाफ आजकल जाते नहीं है, अब वो भी जुलाई से कि भाई चलो अब एडमिशन का समय आया है, सेशन आ गया है, तो अब उनका भी पैसे देने का भार, बिजली भी बढ़वा दिया है, टूल्स का सबका किराया, रेंट ज़्यादा, अगर कहीं रेंट वाला है तो ज़्यादा रेंट अब लग रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। तो हमारा कहने का मतलब सर आपसे अनुरोध है कि आप एक बहुत अच्छे अधिकारी हो, बहुत ईमानदार अधिकारी हो आप, और आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और आप लेंगे भी, और बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर करके इन ITI वालों को बहुत जल्दी सर अफिलेशन दीजिए। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, और हाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का दिन भी आपका शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।